हमारा मैनेजर कहता है सर आप ना आप बात मत किया करो ऑर्गेनाइजर से, आपने पैसे डुबो दिए। मैं उससे कहता हूँ देख यार तुम धंधा देख लो, चलो 10-20-50 जो करोड़ कमाते हो कमा लो, तू सौभाग्य देख, पहले तो ऊपर वाले ने मुझे इस मुल्क में पैदा किया जो दुनिया की सबसे खूबसूरत सभ्यताओं में से एक है, फिर ऊपर वाले ने मुझे पूरा पैदा किया कि मैं सब किसी समस्या में ना रहूं, फिर ऊपर वाले ने मुझे मोहब्बत महसूस करनी सिखाई, फिर ऊपर वाले ने मुझे मोहब्बत करने दी, है ना, वरना अभी तक तो पता नहीं मोहब्बत करने से पहले आदमी फ्रिज खरीद के लाए। कितना बुरा दौर है, 200% कह रहा हूं, ऐसे जाहिलों ने रेखता का सेशन नहीं सुना, वरना जो रेखता का सेशन सुन ले वो चाकू छोड़ो किसी पर हाथ नहीं उठा सकता मोहब्बत करने वाला। फिर ऊपर वाले ने उस मोहब्बत को जो महसूस करना, तीन बात हो गई, 3 सौभाग्य हो गए, चौथा सौभाग्य उस मोहब्बत को लिखना सिखाया, 5वां सौभाग्य उस मोहब्बत को गाना सिखाया, 6ठा सौभाग्य उस मोहब्बत को सुनने वाले दिए, 7वां सौभाग्य उस मोहब्बत से शोहरत इज्जत और पैसा दिया। तो जब 7 बार पेमेंट हो गया तो तू ये 8वीं बार क्यों लड़ रहा है यार, जो दे रहा है ले ले। तो जितने सुनने वाले हैं गजल कहो, शेर कहो, कविता कहो, जिस दिन कहो और अंदर झूम लो, बाकी सब बाई प्रोडक्ट है, बाकी सब बाई प्रोडक्ट है, शायरी कर ली, शेर कह दिया, यही काफी है। कुमार भाई एक चीज बहुत साफ हो जाती है कि आप निष्पक्ष हैं, किसी पार्टी के साथ नहीं है, तभी आप किसी भी सरकारी कार्यक्रम में नहीं दिखाई देते। अपनी में थे उसमें भी साथ नहीं थे। नहीं उसको उसको उस बात को आपकी इजाजत से मैं पूरा करना चाहूंगा, वो ये कि आप किसी के साथ नहीं है पर एक के खिलाफ जरूर है और उसके खिलाफ आप बोलते रहते हैं, कभी बाइट देते हैं चुनाव के वक्त पे, कभी ट्वीट कर देते हैं चुनाव के वक्त पे, ये खुंदक कब खत्म होगी? रेखता का मंच है। अच्छा ये बताइए सुमित जी, आपके आपके बेटा है ना, एक दिन आपको कॉलोनी में पीछे झुरमुट के नीचे गुप्ता जी का लड़का, भटनागर जी का लड़का और आपका लड़का तीनों सुट्टे के दम मारते मिले तो पहला झापड़ किस में मारोगे? बताओ, आप बताओ। आप बताओ पहला झापड़ किस में मारोगे? अपने वाले पे मारेंगे और अपने वाले को फिर माफ भी कर देंगे, अपने वाले को झापड़ मार के उसकी गलती का एहसास करा के माफ भी कर देंगे। अब अपने वाले ने कहा इट्स माय लाइफ डैडी, पहले तो मैंने अंदर रह के मारे थप्पड़, ए क्या कर रहा है ये, थोड़े दिन बाद अपने वाला इरिटेट हो गया, बोला इट्स माय लाइफ डैडी, तो मैंने भी अमेरिकन डैडी की तरह एक दी, मैंने कहा जा भाग यहां से। बॉस प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो बाकी लोग हैं, मैं उनके खिलाफ भी बोलता हूं, पर बाकी लोग घोषित करके आए थे कि हम कमीने हैं, हम ये पॉलिटिक्स नाम का कमीनापन करने जा रहे हैं, आपने कहा कि नहीं नहीं ये सब कमीने हैं, हम आश्रम खोल रहे हैं, तो आप बताइए गुस्सा किस पे आएगा। और ये भी कुछ दिन का है यार, ये कितने दिन के हैं, अब हो जाता है थोड़ा थोड़ा मन में आता है कि यार क्या मैं देखिए क्या है ना कि मैंने एक मिश्रा ये कहा था कि भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूं मैं, पराए आंसुओं से आंख को नम कर रहा हूं मैं, पराए आंसुओं से। लोग मुझसे कहते हैं कि पॉलिटिक्स में दोबारा क्यों नहीं जाते, आपको भी पता है कि मेरी पोचिंग चलती रहती है, दोनों पक्ष दांत गड़ाए रहते हैं कि मिल जाए तो मज़ा आ जाए, है ना, तो इसलिए नहीं है कि वो जैसे पहली बार दिल टूटता है ना लड़के का तो उसे दुनिया की सारी औरतें बेवफा लगती हैं,
तो पॉलिटिक्स में पहली बार दिल टूटा तो लगा कि सब नालायक एक जैसे हैं। तो भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूँ मैं, पराए आंसुओं से आंख को नम कर रहा हूँ मैं। सुमित भाई, मैं इस लुटियंस में घूमता हूँ, मेरी गाड़ी चलती है तो मुझे याद आता है यहाँ से हमको पुलिस ले गई थी, यहाँ मुझे वो चार लड़कियाँ मिली थी जो राखी लेकर आई थी जमशेदपुर से कि भैया आपके भरोसे आ गए, आप लोग लड़ना, आप पीछे मत हटना, देश बदलना है, मुल्क बदलना है। तो पराए आंसुओं से आंख को नम कर रहा हूँ मैं, भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूँ मैं। क्या नुकसान किया उसने, बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में, बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में, उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूं मैं। तो आप मातम है, कई बार निकल आता है। नहीं, आप मोहब्बत के, प्रेम के कवि हैं, आपकी कविताएं युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। आप मतलब कुमार विश्वास, मतलब रुको रुको जी, कुमार विश्वास मतलब प्रेम, मोहब्बत, लव, ऐसे में ये मैं चाहता हूँ कि वापस कविता पे आए। ये मलाल, ये जमाल, ये धमाल बहुत हो गया, कोई कविता हो, कोई मोहब्बत की बात हो, कोई मैं तो कविता में ही कहता हूँ, मैं तो सारी बात, मैंने आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं, मैं शायरी में ही कहता हूँ। वो शायरी में उनको बुरा लग जाता है, जो अच्छा अच्छा होता है वो ले लेते हैं, बचपन से ही है। बच्चे को नहलाते समय माँ नहीं कहती है ना, दूध मिठाई राजा खाए, छींची छींची कौवा खाए। भाई हद हो गई, कौवा छींची छींची क्यों खाएगा, वो भी मिठाई खाएगा, और राजा ही क्यों खाएगा सारी मिठाई। तो मैं तो बोलता हूँ, लेकिन जो उन्हें अच्छी कविता लगती है उसे वो ले लेते हैं, और मेरे जो बुरे कमेंट लगते हैं उस पर नीचे दो चार बार गाली दे देते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। बट हाँ, वो आप सही कह रहे हैं कि जैसे आईने पर दरार हल्की सी पड़ जाती है तो वो दिखती रहती है, बार बार चेहरा बीच में आए तो दिखती रहती है। तो मेरे जो दुनिया बदलने के ख्वाब का आईना था, उसमें एक बड़ी बेहूदी दरार पड़ी हुई है। अब या तो मैं आईना छोटा बड़ा करूं, कुछ नया लाऊं, कुछ करूं, या फिर मैं ऐसे ही गाता, मुझे पता नहीं है, रियली अभी नहीं पता। अभी राम पर बोल रहा हूं, अंदाज़ा नहीं है कि कहां जाऊंगा, ये भी कितने दिन पहन रखा है पता नहीं है, इसकी जगह कोई और कपड़ा आ जाएगा या इससे भी बाहर निकलूंगा, अंदाज़ा नहीं है। आपने पद्मश्री को लेकर एक बात कही। नहीं नहीं, मैंने ऐसी कोई बात, मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूं कि वो क्लियर होना ज़रूरी है, डिजिटल आर्काइव हो रही है चीज़ें। क्या पद्मश्री, ईश्वर करे आपको, ईश्वर करे आपको मिले पद्मश्री, कुमार विश्वास को मिलेगी तो क्या करेंगे कुमार विश्वास, साहित्य अकादमी मिलेगा तो क्या करेंगे कुमार विश्वास, क्या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी इसी बात को लेकर है? अरे कैसी बात कर, कैसे कैसों को दिया है, आपको क्या लगता है कि हमको नहीं कहा गया होगा? हमारे पवार साहब की लाइन नहीं है, मेरे घर से खाली लौटे राजनीति के उड़न खटोले, दुनिया में इतना धन कब है जो मेरी खुददारी तोले। अच्छा क्या कर लोगे उसका? मेरे से एक बड़े आदमी ने कहा 3 साल पहले कि ले लो, अब आप कह रहे हैं तो ले लो। तो मैंने कहा यार, ये एक 2x3 फिट का एक कागज मिलेगा, इसे मैं ड्राइंग रूम में टांग लूंगा, एक दिन की खबर है, एक दिन की। वो जो पीछे लड़का खड़ा है कोने में, बिल्कुल कोने में, कहीं से आया मुरादाबाद कहीं से, उसके मन में मेरे को लेके ख्वाब है कि गुरु ये आदमी है, गुरु ये लगाता है लंका है क्या। अब मैं उसकी वॉइस बना हुआ हूं कि यार ये तो बोलेगा गुरु, कुछ हो जाएगा तो चूड़ी वाला पिटेगा इंदौर में तो कुमार विश्वास बोलेगा। अब मैं इसको लेके और अपने आप को कुंद कर लूं, क्या फायदा। इस तरह मेरा शेर सुनिएगा कि इस तरह हमने सुलह कर ली पेशवाओं से, रिक्ता वालों, इस तरह हमने सुलह कर ली पेशवाओं से, उनकी सरकार रहे अपना भी किरदार रहे। आप सरकार चलाओ, हम अपना किरदार बचाएं। देखिए कुमार भाई, आप बिल्कुल आखिर में आ चुके हैं, मैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुमार विश्वास यहाँ है। ये देखिए मैं बैठा। बहुत अच्छे, मैं थोड़ा आगे रहता हूँ, कितने सारे बच्चे हैं, लव यू यार, क्या वाह, फराज चाहिए और कितनी मोहब्बतें तुझको। मैं एक छोटी सी कविता मुझे सुनानी है यहाँ पर विशेष रूप से, जो आपने जितनी बातें पूछी हैं उसका उत्तर भी उसमें सम्मिलित है ना। और ये सीरीज जो दीवाना विवाना कहते हैं तो आप सुनते ही रहते हैं, इसको क्या सुनिएगा, इसमें क्या खास है।
कि मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं। मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं, मैं हंसता हूँ तो मुझसे लोग अक्सर रूठ जाते हैं। गीत सुनाता हूँ नया, लेकिन वो जो जिन्होंने बोला है बहुत दूर दूर से लोग आए, चलिए वो एक एक सुन लीजिए, ज्यादा नहीं। कि कोई दीवाना कोई मगर धर मैं तुझसे ये तेरा वाह। पुकारे आंख में चढ़कर तो खून को खून समझता है, अंधेरा किस को कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। सुनो 14 फरवरी वालों, हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। एक गीत सुन लीजिए जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस किए उनके जवाब में, पॉलिटिक्स पोइट्री, राजनीति और कविता, सदा से रहिए ऐसा ही रहा है, ऐसा ही रहेगा और इसी में खुश हैं यार, मजे में हैं। सुनिए, कि साथ रहो तो सबसे बेहतर। आजकल आप राम पर बोल रहे कुमार जी, बहुत अच्छा लग रहा है, सारी पार्टियां ये चाहती हैं। कि साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है, सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुंह कितना खोला जाए। मुझे वादा करें नए लिखने वाले जितने लड़के लड़कियां हैं, किसी की सरकार हो, किसी की बदतमीजी हो, पहला शेर तुम्हारे हवाले से आना चाहिए उसके खिलाफ, तब बात होनी चाहिए। सच के लिए लड़ो मर जाओ, जग को सिखलाने वाले, आत्ममुग्ध बौने स्वराज का परचम फहराने वाले, आत्ममुग्ध बौने स्वराज का परचम फहराने वाले। हमको बच्चा समझ रहे हैं, जग को बहलाने वाले, शॉल ओढ़ कर घी पीते हैं त्यागी कहलाने वाले, शॉल ओढ़ कर घी पीते हैं त्यागी कहलाने वाले। इतने हल्के हैं कहते हैं, इतने हल्के हैं कहते हैं, हमें नहीं तोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुंह कितना खोला जाए। सिंहासन के आगे नत शिर जुड़े हाथ जाने वाले, जब दिनकर जी ने 62 में लिख दिया कि छागियों करो अभ्यास रक्त पीने का, तो किसी ने उनसे कहा कि आपने ऐसी बात लिख दी, तो दिनकर जी ने कहा कि हम चीन से हारे हैं सरकारों की असफलता के कारण, मैं कांग्रेस में हूं, राज्यसभा में हूं, मैं ये पंक्ति लिखकर मरना चाहता हूं ताकि 200 साल बाद हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाए तो लोग लिखें कि सब चुप हो गए थे लेकिन एक कवि को गुस्सा चढ़ा था कि हम गलत हारे हैं। अगली पंक्ति रेखता के मंच के मर्यादा के अनुकूल नहीं है। रेखता जितना सोफिस्टिकेटेड मंच है, जितना शालीन मंच है, उसके अनुकूल नहीं है,
लेकिन मुझे माफ कर देना कि 300 साल बाद लिखा जाए कि कुमार विश्वास को गुस्सा आया था और उसने इन हजारों लोगों के गुस्से को एक पंक्ति में गाया था, तो उन्होंने समर्थन किया था, सुनना, कि सिंहासन के आगे नत शिर झुके माथ जाने वाले, गिरवी जिभ्या से शासक की कुंठा सहलाने वाले। चमचागिरी की ये हद, सर को इतना भी ना झुकाओ कि दस्तार गिरे। ये पंडाल जो लगाया है रेखता ने, ये एक इंच ऊंचा हो जाएगा अगली लाइन पर। गिरवी जिभ्या से शासक की कुंठा सहलाने वाले, पद्म विभूषित हुए जा रहे, पद्म विभूषित हुए जा रहे कोरस में गाने वाले। पद्म विभूषित हुए जा रहे कोरस में गाने वाले, राजद्रोह में बंद पड़े हैं भैरव गुंजाने वाले। राजद्रोह में बंद पड़े हैं भैरव गुंजाने वाले। करो प्रार्थना, करो प्रार्थना, करो प्रार्थना, राजमहल तक वाणी का शोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं हमको। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया जश्न रेखता, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विश्वास, लव यू, थैंक यू।